शिवसेना में टूट हो गई, यहाँ आपके बिहार में अफरीदी खेला खेल दिया है MIM के साथ। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र की घटना से बिहार के जो AIMIM के चार माननीय विधायक हमारे दल में शामिल हुए, इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। BJP का चाल चरित्र चेहरा जग जाहिर है और बराबर उजागर होता रहा है। चाहे महाराष्ट्र में इसके पहले भी जो पहली बार रात के अंधेरे में खेला किया था अजीत पवार जी को डिप्टी CM बना करके, BJP सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है, लोकतंत्र का गला घोट रही है, संविधान की धज्जी उड़ा रही है, बनी हुई सरकार को भी बदल रही है। सत्ता की लालची है, ये दिख रहा है, सत्ता की भूखी है। कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मणिपुर हो, गोवा हो, हर जगह देखिए, बिहार में खुद ही जनमत का अपहरण किया। तो ये जो हम लोगों ने, हमारे जो भी लोग आए उन्होंने घर वापसी की है। AIMIM के जो चार विधायक हमारे पाले में आए हमारे साथ, उन्होंने देखा कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ कौन लड़ रहा है, उस विचारधारा के साथ वो आए। तेजस्वी यादव जी में देखा कि जनता का भरोसा और विश्वास बढ़ रहा है, जो विचारों की लड़ाई है तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में वो साथ आए। और पूरा सीमांचल का इलाका, महाराष्ट्र में तो BJP पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि सत्ता के लिए उन्होंने पूरा खेल किया। और उनकी अंदरूनी चला हुई है, क्योंकि बाला साहब कभी कांग्रेस के साथ नहीं गए। ठीक है, तो अंदरूनी कलह हुई है, इसके पहले भी BJP ने किसके साथ सरकार, जम्मू कश्मीर में किसके साथ BJP ने सरकार बनाई थी, वहाँ किसके साथ सरकार, BJP को जब सत्ता चाहिए तो वो किसी के साथ समझौता कर लेती है। BJP ने इसके पहले एक दिन के लिए अजीत पवार जी को बनाया था ना डिप्टी CM, जब देश के लोग सो रहे थे महाराष्ट्र के, 4 बजे भोर में शपथ ले लिया था। तो BJP का तो चेहरा, आप दूसरे दलों को तो छोड़िए, अरे JDU के अपने सहयोगी के 5 विधायक को अरुणाचल में तोड़ लिया, यहाँ मुकेश सहनी को बिहार में सहयोगी थी, उनके 3 विधायक को अपने पाले में कर लिया। ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति BJP करेगी तो उसका खामियाजा। नहीं नहीं, देखिए, कोई छेड़ेगा तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। अब जबरदस्ती का उखली पे चढ़ करके 1st डिवीज़न हो रहे थे कि हम बड़ी पार्टी, अरे बड़ी पार्टी जनता ने बनाया तेजस्वी यादव जी को, RJD को, अब वो ताल ठोक रहे थे। अब लीजिए, तब बड़ी पार्टी RJD जनता के आशीर्वाद से थी और फिर है।